गुड मॉर्निंग सर। अपना डायलॉग अपना अपना नारा लगाओ। थैंक यू। आज 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, इसके पीछे न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति प्रदान की, कितने लोग मर मिट गए, कितने माँ के कोख खाली हो गए, कितने माँ के बच्चे चले गए और कितने महिलाएं विधवा हो गई। लेकिन हंसते-हंसते लोग जो है हंसते-हंसते लोग कभी फांसी पर झूल गए, कभी पुलिस की ब्रिटानिया सरकार के अत्याचारों का शिकार होते गए, लेकिन उन्होंने कभी छू तक नहीं कहा। और उन्हीं की वजह से आज इतने सालों से हम लोग स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। जो आज दुनिया में भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसका पूरा का पूरा श्रेय आज हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर नहीं जाता है, बल्कि उन लोगों के ऊपर जाता है जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता से सांस लेने में के कायल हैं। और अगर उनकी वजह से स्वतंत्रता न मिली होती तो उस समय पर कल्पना करिए कि कितनी ज्यादतियाँ उन लोगों ने सही होंगी, कितनी मुश्किलों से समय कटता होगा कि जब आप अपनी मर्जी से कहीं चल नहीं सकते हैं, जब अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकते, जब अपनी मर्जी से किसी बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आपको सांस लेने की आज़ादी नहीं है, जब आपको किसी जगह जाने आने की आज़ादी नहीं है, तो वो आज़ादी क्या है? वो एक पिंजरा है, उस पिंजरे में आप बंद पड़े हुए हैं। आज खुशी की बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा और कहीं ड्यूटी लगी हुई है। अभी संस्था के निदेशक सर यहाँ आने वाले हैं, वो जब तक आएंगे तब तक मैं अपने मुख्य अतिथियों को और विशिष्ट अतिथि, हालांकि दोनों ही हमारे बहुत पुराने शुभचिंतक हैं बिमटेक के, रंगनाथन सोसाइटी के, सीएसआर कंड्यूट के, लेकिन कर्नल त्यागी साहब ने आज सुबह अभी आते से बोला कि ये असली दर्शन तो भारत का ही है। कर्नल साहब भारतीय फौज में बहुत ऊंचे औहदे तक रहे हैं, फौज से रिटायर होने के बाद में अब यहाँ ग्रेटर नोएडा में ही शिफ्ट हो गए हैं AWHO में, और वकालत मतलब देखिए आप पढ़ने का जज्बा, ये आप लोगों को महिलाओं को खासतौर से मैं बताना चाहूंगा, महिलाओं को कनेक्ट करता है कर्नल त्यागी के साथ में, कि आप लोगों ने इस उम्र पर पढ़ने की कोशिश की और अब पढ़ने लगे हैं। कर्नल त्यागी ने रिटायर आर्मी से आने के बाद LLB किया, LLM किया और अब PhD कर रहे हैं। ये पढ़ने का जज्बा होता है, कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहिए, और केवल LLB LLM नहीं किया बल्कि कई संस्थाओं में जा रहे हैं और वहां पर MBA के BTech के इन बच्चों को क्लासेस भी लेते हैं, मोटिवेशनल टीचिंग भी देते हैं उनको। तो आज बहुत प्रासंगिक है दोनों अतिथि हमारे बीच में जो आए हैं, एक भारतीय सेना से हैं जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने देशभक्ति का पूरा प्रमाण दिया। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल हम जो सेना पर बॉर्डर पर रहकर के जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति जो भी कार्य किया जाए वो सेना देशभक्ति का कार्य होता है। दूसरे हमारे बीच में माली साहब हैं, जिस समय से ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई है और ग्रेटर नोएडा चलने के लायक हुआ है, तो माली साहब ने इस शहर को उस समय से देखा है कि जब इसने खड़े होने की हिम्मत की थी, अपने पैरों पर चलने की कोशिश की थी, उस समय से माली साहब इसके जो है विटनेस है। अब मैं रंगनाथन सोसाइटी का और BIMTECH फाउंडेशन और CSR का सर करी चौक के नीचे जो आप बच्चे देख रहे हैं, इससे पहले के कार्यक्रमों से तो आप साक्षी रहे हैं, लेकिन 1.5 साल पहले करी चौक मेट्रो स्टेशन पर NMRC ने एक जगह का टुकड़ा हम लोगों को दिया है जहां पर इन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर एजुकेशन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और वहां तकरीबन 250 महिलाएं और बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी ले कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आज
मैं सारे बच्चों की तरफ से आप पधारे हुए दोनों मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब क्योंकि कर्नल साहब को कहीं जाना है, कोर्ट भी जाना है, तो मैं कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए कर्नल साहब से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ आए और हमारे जो बच्चे हैं उनको शहीद दिवस के अवसर पर कुछ अपनी जोशीली बातों से लाभान्वित करें और बताएं कि शहीदी दिवस क्यों आवश्यक है और इससे हम लोग कैसे प्रेरणा ले सकते हैं।